ट्रेंडिंग नंबर वन पे वही चल रही है, जिस चीज का ट्रेंड हो उस पर आपने लाजमी वीडियो बनानी है, जल्दी ग्रो कर सकते हो। क्रिकेट की वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग में रहेंगी, एक ही वीडियो आपने बनानी है, एक वीडियो के जरिए जो है ना आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग, क्रिकेट का सीजन आ रहा है और इस सीजन से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वीडियो में आपको ऐसे दो मेथड्स बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग क्रिकेट की वीडियोस से अर्निंग कर सकते हो, और सेकंड वाला तो मेरा फेवरेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग क्रिकेट लवर्स है और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। आप लोग क्रिकेट की वीडियोस देखने के साथ साथ इससे अर्निंग भी कर सकते हो। अब जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ ही दिनों बाद जो है ना वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। तो कौन से दो मेथड्स है, आइए देखते हैं। तो वीडियो शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, YouTube को ओपन करना है। तो YouTube पर आते हैं। तो YouTube पर आने के बाद अब यहाँ पर आपने सर्च करना है क्रिकेट हाइलाइट्स। जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए होंगे उनकी हाइलाइट्स यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था, तो इसकी जितनी भी हाइलाइट्स होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इन हाइलाइट्स पर मिलियंस में व्यूज हैं। अब जैसे ये आपको हाइलाइट दिख रही है, 1.1 मिलियन व्यूज है इस पर, एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुई है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं हाइलाइट्स को री अपलोड करना है अपने YouTube चैनल पर, Facebook पर, Instagram पर, TikTok पर, ठीक है, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने इनको अपलोड करना है। अब आप बोलोगे कॉपीराइट आएगा या फिर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन वगैरह का मसला आएगा, ये नहीं आएगा। आपने इन वीडियोस को यहाँ से डाउनलोड करना है, फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है। एडिट करना भी आपको सिखाऊंगा कैसे आपने एडिट करना है। फिर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में इनको अपलोड करना है, ठीक है, फेसबुक रील्स में अपलोड करना है, और यहाँ पर टिकटॉक में आपने इसको अपलोड करना है। और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, फिर आपने इन्हीं वीडियोस के जरिए अर्निंग कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारी हाईलाइट्स मुझे दिख रही हैं, तो मैं इस हाईलाइट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल, मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा। 3 डॉट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से शेयर पर क्लिक करके मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा। तो मैंने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है YouTube वीडियो डाउनलोडर। जैसे इसको आप सर्च करो, ओपन करना है। कैपकट जो है आपको PC वर्जन में भी मिल जाता है और मोबाइल में भी मिल जाता है। आप इसको PC पर भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर PC पर यूज़ कर रहा हूँ, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। और ये जितना भी प्रोसेस आपको इन वीडियो में बता रहा हूँ, आप ये पूरा प्रोसेस जो है मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो। मोबाइल से भी ये मेथड फॉलो करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैपकट ओपन कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करके अपनी जो वीडियो है जो आपने डाउनलोड की यूट्यूब से, उसको यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो मैं जल्दी से इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है, ऐड टू ट्रैक, इस पर आपने क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पर ये मेन ट्रैक में ऐड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजिंग्स करनी होंगी। तो इसका जो सबसे पहले आपने रेशो चेंज करना है, यहाँ पर आपको फ्रंट पे ही रेशो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करके इसकी जो रेशो है 9:16 कर देनी है आपने, ठीक है। जैसे शॉर्ट वीडियो का फॉर्म होता है ना, उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको आपने थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है इसे, ठीक है, इसका लोगो वगैरह भी जो भी होगा वो भी कट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से भी आप दूर हो जाओगे, जो आप बोलोगे कि यार लोगो आ जाता है, ये ऐसा कोई मसला आपको नहीं आएगा। फिर ये ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक फिल्टर ऐड कर देना है, ठीक है, कोई सा भी आप फिल्टर ऐड कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो मतलब नॉर्मल सी है, बस थोड़ी बहुत इससे चेंज हो जाए इसका कलर। तो यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ऐड कर दिया, इसको मैं लास्ट तक ले जाता हूँ ड्रैग करके। तो ये फ़िल्टर ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस पर टैक्स ऐड करना है। जैसे ये पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का मैच है, तो यहाँ पर आपने टैक्स ऐड करना है, टॉप पे लिख देना पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान, ऐसा ही टैक्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टैक्स ऐड कर दिया एक और इसको भी लास्ट तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान लिख दिया है। अब इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये साइज़ वगैरह सारा इसका एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया है, कलर भी चेंज कर लिया और इसका साइज़ भी एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ इसको एडजस्ट करके रख दिया। अब मैं आपको फुल स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हमारा टैक्स आ गया। अब नीचे भी आपने टैक्स ऐड करना है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि फुल हाईलाइट्स है या फिर बहुत ही अच्छा मैच गुजरा, ऐसे ही कोई टेक्स वेक्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो मैं एक और टेक्स का ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, इसको भी फुल कर देते हैं, यहाँ पर लास्ट तक ले आते हैं इसको भी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल हाईलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फुल हाईलाइट्स और इसका टेक्स वगैरह फॉन्ट वगैरह सब चेंज कर दिया मैंने, ठीक है।
कलर भी चेंज कर दिया, साइज भी एडजस्ट कर लिया, तो ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी वीडियो है ना, इसकी आपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एक दो पॉइंट आपने बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इस वीडियो पर आपने क्लिक करना, ऊपर थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्पीड वाला, स्पीड पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक दो पॉइंट आगे कर देना है, ठीक है। एक दो पॉइंट बढ़ाने, ज्यादा नहीं बढ़ाने। आप फिर वीडियो प्ले करके देख सकते हो, अगर वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है तो फिर आप है ना एक दो पॉइंट कम कर लो। ऐसे ही आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ऊपर आपको एक्सपोर्ट वाला बटन दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आते हैं YouTube पर। तो YouTube पर जब आप आओगे तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंडिंग पेज ओपन करते हो YouTube का, तो यहाँ पर जैसे मैंने ट्रेंडिंग पेज ओपन किया तो ट्रेंडिंग नंबर वन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ है उसकी हाईलाइट्स यहाँ पर ट्रेंडिंग नंबर वन पे वही चल रही है। अब नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो और भी हाईलाइट्स यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में दिख जाएगी। जैसे फिफ्थ नंबर पर आपको एक और वीडियो दिख रही है, ये भी ट्रेंडिंग में। नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी वीडियो जैसे आपको मिल जाएंगी क्रिकेट से रिलेटेड। अब जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रेंडिंग पेज पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वीडियोज आपको मिलेंगी। ज्यादातर आपको क्रिकेट की हाईलाइट्स और यही वीडियोज जो है ना ट्रेंडिंग में मिलेंगी। जितने भी मैचेस होंगे उनके हाईलाइट्स आपको यहाँ पर अभी ट्रेंडिंग में ही मिलेंगे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। तो आपने अभी से तैयारी कर लेनी, अभी से अपने चैनल को आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो करना है। डेली आपने ऐसी क्रिकेट की हाईलाइट्स जो है डाउनलोड करनी है, उनको एडिट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके चेंजिंग्स करनी है। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे ये वीडियो आप देख सकते हो 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट से भी ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो आपने क्या करना है, इसके तीन पार्ट्स बना लेने, ठीक है। 5-5 मिनट की तीन वीडियोज़ बना लेनी है, या फिर आपने 2-2, 3-3 मिनट की बहुत सारी इससे वीडियोज़ निकालनी है। ऐसे आपकी वीडियोज़ की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही एक वीडियो से आपकी बहुत सारी वीडियोज़ भी बन जाएंगी। आप इनको यूट्यूब पर शॉर्ट एज अ शॉर्ट भी अपलोड कर सकते हो, उसके ज़रिए भी आप अच्छे व्यूज़ ले सकते हो। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, डेली यूट्यूब से वीडियोस को डाउनलोड करना है, उसको एडिट करना है, और यहाँ पर आपने डेली एक दो वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करनी है। शॉर्ट्स भी आप अपलोड कर सकते हो, लॉन्ग वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको उसको एडिट करना होगा जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अब आते हैं फेसबुक पर। आपने क्या करना है, फेसबुक को ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पर आपको पेजेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपने पेजेस पर आना है। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करना है, और एक आपने क्रिकेट फैन जो है ना, क्रिकेट फैन पेज होता है, ऐसा आपने एक फैन पेज बना लेना है। फिर उस फैन पेज पर डेली आपने इन्हीं वीडियोस को अपलोड करना है, क्योंकि यूट्यूब वाली वीडियोस जो होती है वो आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हो एडिट करके, आप जो है ना आपको उसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह वाला इशू नहीं आएगा। आपने ऐसे ही एडिट करना है और उनको डेली आपने फेसबुक पर भी अपलोड करना है एक दो वीडियोस को, ठीक है। तो अगर आपको फेसबुक का पेज क्रिएट करना नहीं आता तो यहाँ पर मैं लिंक ऐड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में भी, और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपने फेसबुक का पेज क्रिएट करना है, कैसे उसकी सारी सेटिंग्स करनी है। ए टू जेड मैंने सारी डिटेल्स अपनी वीडियो में ऐड की हुई है, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अपना फेसबुक का पेज, प्रॉपर फेसबुक का पेज बना सकते हो। तो फेसबुक का पेज बना लेना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस पर डेली वीडियो अपलोड करनी है, और इससे आप जो है ना जल्दी ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज का ट्रेंड होता है ना उस पर अगर आप काम करते हो ना, आपके ग्रोथ के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। जिस चीज का ट्रेंड हो उस पर आपने लाजमी वीडियो बनानी है, फिर उसके जरिए आप जो है ना जल्दी ग्रो कर सकते हो। जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो फिर उस पर अगर आप वीडियोस डालोगे ना, उस वक्त क्रिकेट की वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग में रहेंगी, तो उसके जरिए आप जो है ना जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, फेसबुक का पेज क्रिएट करना है, और उस पर जो है ना डेली आपने अपलोड करनी है वीडियोस। और अगर फेसबुक पर आप सर्च करते हो क्रिकेट हाईलाइट्स, तो यहाँ मैंने जैसे क्रिकेट हाईलाइट्स सर्च किया, यहाँ पे मुझे बहुत सारी वीडियोस मिल गई है। आपने क्या करना है, नीचे सेकंड लास्ट आपको दिख रहा होगा ग्रुप्स, ग्रुप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे टॉप पे ग्रुप है, ठीक है, तकरीबन 2.5 लाख इसके फॉलोवर्स है, मेंबर्स है। उसके नीचे आपको दूसरा ग्रुप दिख रहा है, इसके 2 लाख फॉलोवर्स है। ऐसे एक नीचे एक 1.5 लाख है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे जो फेमस ग्रुप्स होंगे जिनके फॉलोवर्स मेंबर्स ज़्यादा होंगे उनको आपने ज्वाइन करना है, और जो आपके फेसबुक पेज पर वीडियोज़ होगी उन वीडियोज़ को यहाँ पर आपने इन्हीं ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपके फॉलोवर्स जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है, आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन है वो पाकिस्तान में ऑन हो चुकी है, अभी आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हो, फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हो, अपनी मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हो। तो फेसबुक पेज पर आप इसके ज़रिए जो है ना ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, और उससे आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब से भी आपकी इनकम ऐसे जनरेट हो सकती है,
फेसबुक से भी हो सकती है। तो फेसबुक और यूट्यूब पर आपने ऐसे ही अपलोड कर रही है। अब आते हैं टिकटॉक पर, टिकटॉक पर भी आपने इन वीडियोस को अपलोड करना है। तो जैसे ही मैंने टिकटॉक को ओपन किया, अब यहाँ पर अगर मैं क्रिकेट हाईलाइट सर्च करता हूँ तो इधर भी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। और इन टिकटॉक की वीडियोस पर जो है ना मिलियंस में व्यूज होते हैं। आपको पहली वीडियो दिख रही है 1.4 मिलियन, सही है, थर्ड वाली दिख रही है 1.3 मिलियन, नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐसी और भी आपको मिलियंस में व्यूज़ मिल जाएंगी, जैसे एक और वीडियो 1.5 मिलियन। तो इन वीडियोस पर टिकटॉक पे भी जो है ना मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। जैसे मैंने ये वाली एक आईडी ओपन कर ली है, ठीक है, बी स्पोर्ट्स ऑफिशियल, ठीक है, ये एक अकाउंट है टिकटॉक पर, इसके आप फॉलोअर्स देख सकते हो, 35,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, लाइक्स देख सकते हो आप, सारी इसने यही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की हुई अपने अकाउंट पर। तो ऐसे ही आप जो है ना डेली अगर अपने टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के अकाउंट पर, ट्विटर के अकाउंट पर, इंस्टा के अकाउंट पर डेली अगर आप वीडियोस अपलोड करते हो, एक ही वीडियो आपने बनानी है, सारे अकाउंट्स पे आपने उसको शेयर करना है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, सब पे आपने उसी वीडियो को शेयर करना है। बस इतना सिंपल सा काम है, एक वीडियो आपने एक जगह से वीडियो उठानी है, उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है और सारे प्लेटफॉर्म पर आपने उसको शेयर करना है। अब 3-4 प्लेटफॉर्म से किसी ना किसी पर तो आपकी ग्रोथ हो ही जाएगी ना कहीं तो आपकी वो वीडियो वायरल हो ही जाएगी। फेसबुक पर अगर नहीं हुई तो टिकटॉक पर हो जाएगी, टिकटॉक पर नहीं हुई तो यूट्यूब पर हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी जो है ना वो वीडियो वायरल हो ही जाएगी, व्यूज़ आ ही जाएंगे। एक वीडियो के जरिए जो है ना आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब, टिकटॉक, कहीं पर भी अगर आपकी वीडियो फेमस हो जाती है, आपने बस डेली जो है ना एक दो वीडियोस इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करनी है। बस यूट्यूब से आपने उठाना है, उसको एडिट करना है और इन सारे प्लेटफॉर्म पर आपने उसको अपलोड कर देना है। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर तो आपकी वीडियो वायरल हो ही जाएगी ना, फिर उससे अच्छे फॉलोअर्स भी आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो इसके जरिए। तो ये तो हो गया पहला मेथड जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड मेथड पर। तो आपने क्या करना है, गूगल पर आना है, ठीक है। गूगल पर आने के बाद अब यहाँ पर आपने सर्च करना है मिडमैन। इसको जैसे आप सर्च करोगे पहली वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी मिडमैन, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको आप ओपन करोगे, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के अकाउंट जो है ना बाय एंड सेल करते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पर बाय भी करते हैं सेल भी करते हैं। तो आप जो यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पर इन क्रिकेट की वीडियोस को अपलोड करोगे, अगर आपका जो चैनल है, पेज है, ठीक है, या टिकटॉक का अकाउंट है वो ग्रो हो जाता है, ठीक है, उस पर फॉलोवर्स आ जाते, तो उसको आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन उसको अच्छी कीमत में आप उसको सेल भी कर सकते हो। ज़्यादा फॉलोवर्स वाला अकाउंट जो है ना यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिख रही है, ठीक है, टॉप कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे यूट्यूब को सेलेक्ट किया, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अकाउंट्स है जो लोग बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं और इनकी प्राइस आप देख लो, ठीक है। अब पहले नंबर पे आपको यूट्यूब का एक चैनल दिख रहा होगा, ठीक है, 2 मिलियन इसके फॉलोवर्स और $75,000 में ये इसको सेल आउट कर रहे हैं, 2 मिलियन फॉलोवर्स वाला अकाउंट। उसके साथ आपको दूसरा अकाउंट दिख रहा होगा, 12,000 इसके सब्सक्राइबर है, 190 में इसको सेल कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो है ना फॉलोवर्स वाले पेजेस को, अकाउंट्स को, यूट्यूब चैनल्स को यहाँ पर सेल आउट करने आते हैं। आप भी ऐसे इन्हीं की तरह चैनल्स को सेल कर सकते हो और इसके जरिए आपकी अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। मैं यहाँ फिर कैटेगरी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने टिकटॉक सेलेक्ट किया, ठीक है, टिकटॉक मैंने जब सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप देखो 17,000 फॉलोवर वाला अकाउंट $45 में बिक रहा है, ठीक है, उसके साथ 6,000 फॉलोवर वाला अकाउंट $48 में बिक रहा है, $48 में बिक रहा है, ठीक है। अब जैसे ये वाला अकाउंट आप देख सकते हो सिर्फ इसके 490 फॉलोवर्स है, ठीक है, टिकटॉक पर, और इस अकाउंट को भी यहाँ पर ये $2 में सेल कर रहा है। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे जिनके फॉलोअर्स कम है। जैसे आपको इसके साथ एक और 600 फॉलोअर्स वाला अकाउंट दिख रहा है, वेरीफाइड है, $125 में इसको यहाँ पर ये सेल कर रहा है, $125 में ये 600 फॉलोअर्स वाला अकाउंट सेल कर रहा है। तो ऐसे जो है ना आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर अकाउंट्स को सेल करने आते हैं, टिकटॉक अकाउंट्स को, यूट्यूब अकाउंट्स को जो है ना सेल करने आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं फेसबुक को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 5.3K फॉलोअर्स है इसके और ये $100 में अकाउंट सेल कर रहा है। दूसरा अकाउंट देख ले, इसके 1.4K फॉलोअर्स है और ये $100 में सेल हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अकाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, देखिए हजारों में इनके फॉलोअर्स है, ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है और ये जो है ना कोई $100 में दे रहा है, कोई $110 में दे रहा है, बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो जो भी आपका अकाउंट वायरल हो जाए, अगर आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको सेल करके अच्छी इनकम ले सकते हैं, उनके जरिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आप बोलोगे यार हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ाने की एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। अगर आप टिकटॉक पर जाते हो, ठीक है, वहाँ पर अगर आप सर्च करते हो क्रिकेट हाइलाइट्स, तो जो भी अकाउंट आपको दिख जाए जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हो, लाख से ऊपर हो, ठीक है, लाख से ऊपर फॉलोवर्स हो, उसके फॉलोवर्स में आपने जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपने जाना है और शुरू में आपको जितने भी 10, 15, 20, 50 जितने भी अकाउंट्स मिलेंगे उन सबको आपने फॉलो करना है।
फिर क्या होगा, उन 30-40 अकाउंट्स में से आपको 10-15 फॉलोवर जो है जिनको आप फॉलो करोगे वो आपको फॉलो बैक करेंगे। ऐसे ही आपने क्या करना है, डेली 50-60 अकाउंट्स को जाके ऐसे ही फॉलो करना है, फिर वो आपको रिटर्न में फॉलो बैक भी कर दें। तो ऐसे ही आपने डेली करना है, उसके ज़रिए जो है ना आप फॉलोवर्स को अपने बढ़ा भी सकते हो। ये ट्रिक जो आप इंस्टा पे भी यूज़ कर सकते हो और टिकटॉक पर भी यूज़ कर सकते हो। और अकाउंट सेल करने के लिए सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं है, और भी वेबसाइट आपको मिल जाती है। अगर आप गूगल पर आके सर्च करते हो सेल सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, अगर आप इसको सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर लोग जो है ना अकाउंट्स को बाय एंड सेल करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, यहाँ पर लोग बाय एंड सेल करते हैं अकाउंट्स को। पहले आपने उस वेबसाइट के रिव्यूज़ चेक करने हैं, जो वेबसाइट ट्रस्टेड हो उसी पर आपने बाय एंड सेल करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की है, अब यहाँ पर आपको फ्रंट पे ही कुछ अकाउंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे फ्रंट पे आपको पहले नंबर पे एक अकाउंट दिख रहा है, 8,80,000 इसके फॉलोवर्स है, और ये $6,800 में इसको सेल आउट कर रहा है, ठीक है, इंस्टा का अकाउंट है। ऐसे ही आपको दूसरा एक अकाउंट दिख रहा होगा, इसके तकरीबन 50,000 फॉलोवर्स है, ये $390 में सेल हो रहा है। यूट्यूब का चैनल दिख रहा होगा, ठीक है, 1.1K सब्सक्राइबर वाला एक चैनल दिख रहा होगा यूट्यूब का, थर्ड नंबर पे $100 में इसको ये सेल कर रहा है। और ये जो पोस्ट है इसने अभी 6 दिन पहले ही लगाई है, आपको टाइम भी दिख रहा होगा। 1,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, $100 में सेल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे और भी आपको अकाउंट्स वगैरह दिख जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इनकी कीमत है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख रही है, 8 बेस्ट मार्केट प्लेसेस टू बाय एंड सेल सोशल मीडिया अकाउंट। अब इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, यहाँ पर आपको जो भी बेस्ट 8 मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगे उनको रीच आउट कर सकते हो, वहाँ से आप बाय एंड सेल कर सकते हो अकाउंट्स को। तो दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप जो है ना अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो इससे आपके और भी दोस्त होंगे जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। बस आपने इस वीडियो को शेयर करना उनके साथ, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।